यहाँ एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, इक्वल टू लिखा हुआ है ए प्लस बी, मतलब कोई दो मैट्रिक्स होगा ए और बी, दोनों थर्ड ऑर्डर का होगा, दोनों को ऐड करके एक मैट्रिक्स बनाए हैं, दो मैट्रिक्स ए और बी दोनों को सब्ट्रैक्ट करके ये मैट्रिक्स, इसमें एक एलिमेंट अननोन है सी, हम इन दोनों इक्वेशन से मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी दोनों को ढूंढ सकते हैं। अगर हम दोनों को ऐड कर दें और हाफ से मल्टीप्लाई कर दें तो ए का वैल्यू निकल जाएगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी मैट्रिक्स को ऐड करें और हाफ से मल्टीप्लाई कर दें तो हमको ए निकल जाएगा। तो जरा ए का वैल्यू निकाल लें, ए बराबर हाफ ऑफ दोनों को ऐड करके यहां लिख दें, आएगा 314 101 प्लस सी और 112 और बी मैट्रिक्स का वैल्यू निकाल लें दोनों को सब्ट्रैक्ट करके और हाफ से मल्टीप्लाई कर दें तो आएगा 1 माइनस 1 माइनस 2, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और 1 2 1 माइनस सी और -1 1 और 2। और अब क्वेश्चन ये है कि ए गुने बी मैट्रिक्स का इन्वर्स मैट्रिक्स एग्जिस्ट करे उसके लिए सी का वैल्यू ढूंढिए। तो इन्वर्स एग्जिस्ट करने के लिए कंडीशन है, किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब ए एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो, यानी डेट ए का वैल्यू जीरो नहीं हो। तो इन्वर्स एग्जिस्ट करने के लिए डेट ऑफ ए बी का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए, यानी हम डिटरमिनेंट के प्रॉपर्टी से डेट ए इंटू डेट बी का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। तो हम जरा पहले डेट ए निकाल लें, डेट ए है 3 times 0 minus this which is -3 minus 3c प्लस 1 times 1 plus c minus 2 which is c minus 1 प्लस 4 times 1 minus 0 which is 4। ये डेटे है, सिंप्लीफाई कर ले, -3 minus 1 4 के साथ कैंसिल आउट हो गया, -2c बच गया। और अब डेट बी का वैल्यू निकाले, 4 minus 1 minus c 4 minus 1 plus c that is 3 plus c into 1, फिर -1 times +1 कर दे रहे हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करके 2 minus minus इतना, यानी 2 plus 1 minus c which is 3 minus c और फिर -2 times 1 minus minus 2 यानी 1 plus 2 3 into -2 -6। डिटरमिनेंट बी का जो एक्सपेंशन किए तो 3 plus 3 6 minus 6 0 और c minus c 0, बी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वैल्यू 0 आ गया। सो दिस इनटू दिस शुड नॉट बी इक्वल टू 0। नाउ दिस इज नॉट पॉसिबल, सी कुछ भी डाल दीजिए, एनीथिंग इनटू 0 विल ऑलवेज बी 0, यानी ए बी का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकता है फॉर एनी वैल्यू ऑफ सी, इंप्लाइज ए बी इन्वर्स कैनॉट एग्जिस्ट फॉर एनी वैल्यू ऑफ सी। मैट्रिक्स ए दिया है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, 2 रो 2 कॉलम, और बी भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ए और बी को गुना करने पर एक नल मैट्रिक्स मिलेगा, कब? 4 ऑप्शन है ए बी सी डी कुछ इस शक्ल का,
कि थीटा माइनस फाई, यहां सब कुछ थीटा के टर्म्स में है. दिस मैट्रिक्स इज अ फंक्शन ऑफ थीटा एंड दिस मैट्रिक्स इज अ फंक्शन ऑफ फाई, सब जगह फाई है. तो इफ थीटा माइनस फाई इक्वल्स कुछ ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई टू, मल्टीपल्स ऑफ पाई पाई, ऐसा ऑप्शन, दो ऑप्शन में थीटा प्लस फाई शुड बी इक्वल टू, इसमें से जो ठीक लगे. तो हमें ऑप्शंस नहीं लिखे हैं, हम लोग कंडीशंस को खोजते हैं, दोनों को गुना करें और उसको हम इक्वेट करेंगे विथ नल मैट्रिक्स. ए इंटू बी मैट्रिक्स इक्वल नल इंप्लाइज लेफ्ट हैंड साइड एक टू बाई टू मैट्रिक्स होगा, ये वाला एलिमेंट होगा दिस इंटू दिस, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर फाइव माइनस साइन थीटा कॉस थीटा साइन फाइव कॉस फाइव, तो उन दोनों में से कॉमन हो जाएगा कॉस थीटा कॉस फाइव. हम ये वाला एलिमेंट अलग से लिख रहे हैं ए वन वन, उसमें कॉस थीटा कॉस फाइव कॉमन होगा इंटू कॉस थीटा कॉस फाइव, पहला टर्म था ना कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर फाइव प्लस इतना इंटू इतना, तो कॉस थीटा कॉस फाइव कॉमन ले लिए और यहाँ प्लस इसमें से भी कॉस थीटा कॉस फाइव कॉमन, तो बचेगा साइन थीटा साइन फाइव, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी को कॉस ऑफ थीटा माइनस फाइव लिख सकते हैं. यानी ये वाला एलिमेंट होगा कॉस थीटा इंटू कॉस फाइव इंटू कॉस ऑफ थीटा माइनस फाइव. इसी तरह से हम चारों एलिमेंट ढूंढेंगे और नल मैट्रिक्स मतलब सारा एलिमेंट्स जीरो जीरो हो. ये कैपिटल ओ सिंबल से लिखते हैं, जीरो नहीं लिखते, तो जीरो बोलते भी नहीं. ये एक चित्र है, ये चित्र जिसका सारा एलिमेंट्स रियल नंबर है जीरो 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 एंड जीरो. यहां वाला एलिमेंट ढूंढे ए वन टू, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन फाइव कॉस फाइव और प्लस साइन थीटा कॉस थीटा साइन स्क्वायर फाइव, तो कॉमन दिख रहा है इसमें से एक साइन फाइव इंटू कॉस थीटा, दोनों में कॉमन दिखेगा. यानी ये एलिमेंट होगा साइन फाइव इंटू कॉस थीटा, ब्रैकेट में कॉस थीटा कॉस फाइव बचेगा और यहां भी एक साइन थीटा साइन फाइव बचेगा, कॉस थीटा कॉस फाइव प्लस साइन थीटा साइन फाइव. ये एलिमेंट में भी कॉस ऑफ थीटा माइनस फाइव टर्म दिख रहा है इंटू समथिंग साइन फाइव कॉस थीटा. उसी तरह से इन सब एलिमेंट्स को भी ढूंढेंगे हम लोग, दिस इंटू दिस करेंगे और दिस इंटू दिस, तो इनमें भी समथिंग इंटू कॉस ऑफ थीटा माइनस फाइव दिखेगा, यहां भी समथिंग इंटू कॉस ऑफ थीटा माइनस फाइव दिखेगा, समथिंग समथिंग. ये नल मैट्रिक्स होने का मतलब है कि ये भी जीरो हो जाना चाहिए, ये भी जीरो, ये भी जीरो एंड ये भी जीरो. अभी चारों जीरो तभी होगा जब कॉस ऑफ थीटा माइनस फाइव का वैल्यू जीरो हो जाए, माने एक ही साथ चारों जीरो होना चाहिए. यानी थीटा माइनस फाइव ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू होना चाहिए, दैट इज द कंडीशन. तो चार ऑप्शन में से जो भी ऐसा होगा उसको हम टिक कर देंगे. एम एक मैट्रिक्स है थ्री बाई थ्री ऑर्डर का, जिसका एलिमेंट्स एंट्रीज लिखे हैं, एलिमेंट्स को एंट्रीज भी बोलते हैं, जिससे भरते हैं आप मैट्रिक्स बनाने के लिए. तो एम एक थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स है जिसका एंट्रीज सिर्फ यही तीन नंबर में से जीरो वन और टू से भरना है, सच दैट सम ऑफ द डायगोनल एंट्रीज ऑफ एम इंटू एम प्राइम मैट्रिक्स मस्ट इक्वल फाइव.
तो ऐसा कितना मैट्रिक्स आप बना सकते हैं? एम एक मैट्रिक्स है, अननोन है, थर्ड ऑर्डर है, कुछ ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। ये मैट्रिक्स ऐसा बनाना है आपको, इन सब एलिमेंट्स के जगह सिर्फ यही तीन नंबर का आपको उपयोग करना है, सच दैट कि दिस मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय इसका ट्रांसपोज, ट्रांसपोज भी लिख रहे हैं, ए डी जी बी ई एच सी एफ आई, इन दोनों का प्रोडक्ट भी कर रहे हैं। प्रोडक्ट में 9 एलिमेंट्स है लेकिन 9 नहीं लिखना है, क्वेश्चन के अनुसार इस मैट्रिक्स का जो डायगोनल एलिमेंट्स है उनका सम 5 होना चाहिए। तो हम पहले उस कंडीशन को लिख लें, हम मान लें कि एम मैट्रिक्स उसके ट्रांसपोज से गुना करें और डायगोनल एलिमेंट्स ये वाला निकालें, दिस इनटू दिस, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये वाला निकालते हैं, ये ए टू टू है यानी सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, और ये वाला जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर, और इनका सम 5 होना चाहिए सवाल के अनुसार, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर का वैल्यू 5 होना चाहिए। इतना बात समझ में आया हम लोग? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई के स्थान पे आप इन्हीं तीन संख्याओं का इस्तेमाल करेंगे तो बताइए कि कितना ऐसा मैट्रिक्स बना सकते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ सच मैट्रिसेस। देखिए इन सब का सम 5 कैसे हो सकता है? अगर हम इनमें से किसी 5 को चुन लें 1 1 और बाकी को 0, देर आर 9 places to be filled, उनमें से किसी भी 5 के स्थान पे 1 लिख दें और बाकी सब के स्थान पे 0, तो 1 square plus 1 square plus 1 square plus 1 square plus 0 square plus 0 square plus 0 square plus 0 square बराबर 5 होगा। एक विकल्प, I choose 5 ones and 4 zeros, ये एक विकल्प है। इन 9 स्थान में से किसी भी 5 स्थान पे 1 भर दीजिए और बाकी 4 स्थान पे 0। कितना तरह से आप ये कर सकते हैं? कोई 5 स्थान, 9 में से कोई 5 स्थान चुनने का तरीका, 9C5, इतना तरह का मैट्रिक्स बन सकता है ऐसा वाला। और दूसरा विकल्प, सारे एंट्रीज का स्क्वायर का सम 5 होना चाहिए, तो आप किसी भी एक स्थान पे 2 चुने और एक स्थान पे 1 चुने, 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 5 हो गया और बाकी रिमेनिंग जीरोस चुनिए, 7 बचा, 7 जीरोस, और कोई विकल्प नहीं दिख रहा है। तो ऐसा मैट्रिक्स कितना बना सकेंगे? मैंने 9 स्थान में से कोई एक स्थान पे 2 रखना है और किसी एक स्थान पे 1 रखना है, तो हम ऐसे कर सकते हैं, पहले 2 स्थान चुन लेते हैं 9 में से कोई 2, उन दोनों में से किसी एक जगह 2 रख देंगे, दूसरे जगह 1, या पहले जगह 1 और दूसरे जगह 2, यानी इसको हम 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करते हैं, बाकी स्थान का चिंता नहीं कर रहे हैं। 9 में से कोई 2 स्थान चुन लीजिए जहां मन हो कि इन्हीं दोनों स्थानों पे हम डालेंगे, एक जगह 2 एक जगह 1, और फिर उनको आपस में अदला बदली भी कर सकते हैं, इसीलिए 2 फैक्टोरियल। अब बस टोटल नंबर ऑफ वेज ऐड कर दीजिए, ये हो गया 9C4, 9×8×7×6, 4 बार लिखे हैं, 1×2×3×4, 9C4 का वैल्यू लिखे, 4×2 कट गया 8 से, यहाँ 3 से, 21×6,
126, और ये हो गया 9C2 का वैल्यू 9 इंटू 8 बटे 1 इंटू 2 इंटू 2 फैक्टोरियल 72, दोनों को ऐड कर दीजिए 198, सच मैट्रिसेस हम बना सकते हैं। एक मैट्रिक्स दिया हुआ है B, सेकेंड ऑर्डर, और कोई एक मैट्रिक्स है A जो अननोन है, और कोई एक स्केलर है K अननोन है, K का वैल्यू निकालना है। तो जब हम दो अननोन दिए हैं, एक मैट्रिक्स है जो अननोन है और एक स्केलर है जो अननोन है, तो दो इक्वेशन भी दिए। एक इक्वेशन दिए हैं कि A मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है सच दैट ए का इनवर्स जब बी से गुना करते हैं तो बी इनवर्स मैट्रिक्स मिल जाता है, और दूसरा लिखे हैं कि अगर ए का इनवर्स मैट्रिक्स को उस स्केलर के से गुना करते हैं तो वो इक्वल टू आता है टू टाइम्स इनवर्स ऑफ बी प्लस द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहां आइडेंटिटी मैट्रिक्स सेकेंड ऑर्डर का है, ये बोलने का जरूरत नहीं है, क्योंकि B अगर सेकेंड ऑर्डर का है तो उसका इनवर्स भी सेकेंड ऑर्डर का होगा, और हम उसको ऐड करना चाहते हैं किसी मैट्रिक्स से तो उसको भी सेकेंड ऑर्डर का होना होगा, और A भी सेकेंड ऑर्डर का है, इसी इक्वेशन से समझ में आ रहा है। इधर का जो चित्र है सेकेंड ऑर्डर प्लस सेकेंड ऑर्डर इज सेकेंड ऑर्डर, तो इधर भी सेकेंड ऑर्डर होगा। तो A कोई मैट्रिक्स है सेकेंड ऑर्डर का जो अननोन है, और K एक स्केलर क्वांटिटी है, आपको के का वैल्यू मिलेगा। हम इस पहले ही क्वेश्चन को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं ए से, तो लेफ्ट हैंड साइड बचेगा ए इंटू ए इनवर्स इंटू बी इक्वल टू ए टाइम्स बी इनवर्स। हम ए से मल्टीप्लाई किए हैं प्री पोजीशन में इधर, तो उधर भी प्री, इधर आप प्री में लिख दें और उस तरफ पोस्ट में लिख दें तो गलत हो जाएगा। हम दोनों तरफ के मैट्रिक्स को सेम मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दिए हैं सेम पोजीशन, प्री पोजीशन, बाद में लिखते हैं तो उसको पोस्ट बोलते हैं। अब ए इंटू ए इनवर्स को आई बोलते हैं, और आई इंटू बी का वैल्यू बी होगा, तो हम उसी इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करिए। अब हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं बी मैट्रिक्स से पोस्ट में, बी इनवर्स इंटू बी आई होगा, ए इंटू आई बराबर ए होगा, और इस प्रकार हमको जो अननोन मैट्रिक्स था ए वो निकल गया। इसी क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते करते हम इस निष्कर्ष से पहुंचे। अब हमको बी स्क्वायर का मतलब बी इंटू बी मल्टीप्लाई करते हैं केवल इक्वल टू ए मैट्रिक्स पूछा नहीं है हमसे, पर ऐसे निकाल रहे हैं, हो सकता है कि जरूरत भी नहीं हो निकालने, तो हमको निकालना भी नहीं चाहिए। सवाल बनाते वक्त जरूरत होगा तब हम ए का वैल्यू निकालेंगे, नहीं तो नहीं निकालेंगे। हाँ, अब समझ गए कि ए का वैल्यू निकल गया, क्या लिखें 4 प्लस 2 6, 4 प्लस 0 यहाँ, 2 प्लस 0 यहाँ, 2 प्लस। अब नेक्स्ट इक्वेशन को देखें, इसको उसी प्रकार थ्रू आउट ए से मल्टीप्लाई कर दें, के टाइम्स ए ए इनवर्स, तो के टाइम्स आई हो गया। अब के टाइम्स आई लिखना होगा, यहां पे कोई मैट्रिक्स नहीं है, ए टाइम्स आई होता था ए लिख देते, अब के टाइम्स आई को हम के नहीं लिख सकते हैं, के इंटू आई लिखना होगा इक्वल टू 2 टाइम्स ए बी इनवर्स प्लस ए आई। अब ए बी इनवर्स बराबर बी होगा, वो हम लोग जब दोनों तरफ ए से मल्टीप्लाई किए थे ए बी इनवर्स बराबर बी आया था, इसको हम 2 बी लिख लेते हैं, और ए इंटू आई बराबर ए होगा, ए बराबर बी स्क्वायर होगा। अब सवाल बन गया, अब हमको बी स्क्वायर का वैल्यू चाहिए था और 2b का भी चाहिए,
टू बी है माइनस फोर, माइनस फोर, माइनस टू, जीरो, और बी स्क्वायर सिक्स फोर टू टू, दोनों को ऐड कर रहे हैं, ऐड करते ही सवाल बन जाएगा सिक्स माइनस फोर टू, जीरो, जीरो टू, विच इज इक्वल टू लिख सकते हैं टू टाइम्स आई, विच इज इक्वल टू, सभी में से टू कॉमन ले लीजिए तो बचेगा वन वन जीरो जीरो टू आई। अब कंपेयर करके हम लोग बता सकते हैं कि स्केलर के का वैल्यू है टू। एक्स और वाई दो मैट्रिक्स है थर्ड ऑर्डर का और दोनों स्क्यू मैट्रिक्स है, मतलब स्क्यू सिमेट्रिक है, मतलब कि x का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ऑफ x और y का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ऑफ y। z एक थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स है, अब वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यानी z ट्रांसपोज इक्वल टू z, इतना बात लिखा है पहला स्टेटमेंट में। उसके बाद पूछा है देन चार ऑप्शन है, इनमें से कौन कौन मैट्रिक्स स्क्यू है फ्रॉम द फॉलोइंग, एक एक करके चारों ऑप्शन को चेक करना होगा। पहला मैट्रिक्स है y क्यूब, मतलब y इंटू वाई मल्टीप्लाइड बाई z टू द पावर 4 माइनस z टू द पावर 4 टाइम्स y क्यूब, ये मैट्रिक्स स्क्यू मैट्रिक्स है या नहीं है पता लगाना होगा। कैसे पता लगाते हैं, बस इसका ट्रांसपोज से शुरू करते हैं, सिंप्लीफाई करते करते कोई भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज से शुरू कीजिए, अगर वो इक्वल टू माइनस ऑफ ए रिड्यूस हो जाए तो आप निष्कर्ष निकालते हैं कि वो स्क्यू सिमेट्रिक है। हम वही कर रहे हैं, ट्रांसपोज से शुरू करें। अब ट्रांसपोज का प्रॉपर्टी हम जानते हैं, ए प्लस बी मैट्रिक्स का होल ट्रांसपोज, इससे मैं ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ये माइनस के लिए भी वैलिड है, तो हम उस प्रॉपर्टी का यूज करके यहां लिख सकते हैं y क्यूब इंटू z टू द पावर 4 का ट्रांसपोज माइनस z 4 इंटू y क्यूब का ट्रांसपोज। हमको अब ये पता है कि a गुने b का ट्रांसपोज इक्वल टू होता है b ट्रांसपोज इंटू a ट्रांसपोज, ये प्रॉपर्टी तीनों में सेम था, ट्रांसपोज ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस, adjoint of the product of two matrices and inverse of the product of two matrices, isme adjoint of b into adjoint of a, similar transpose of b into transpose of, inverse of b into inverse of, to hum us property ka use kare to z to the power 4 ka transpose into y cube ka transpose minus y क्यूब का ट्रांसपोज इंटू z टू द पावर 4 का ट्रांसपोज। अब यहां देखिए z इंटू z इंटू z इंटू z चार बार है का ट्रांसपोज, जैसे कि a स्क्वायर का ट्रांसपोज इज सेम एज a इंटू a का ट्रांसपोज, विच इज सेम एज e वाला a का ट्रांसपोज इंटू u वाला a का, विच इज a ट्रांसपोज का स्क्वायर। ए इंटू बी का जब ट्रांसपोज निकाल रहे थे तो उसको आप लिखे थे ना इस तरह से, अब यहां ए इंटू ए है तो पलटिए का भी तो वही आ जाएगा, जेड थ्री पावर 4 को आप लिख सकते हैं जेड स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर का ट्रांसपोज, माने ए इंटू ए का, विच इज जेड स्क्वायर का ट्रांसपोज का स्क्वायर, विच अगेन इसको दिखा सकते हैं कि z ट्रांसपोज का स्क्वायर यानी z ट्रांसपोज टू द पावर 4 लिख सकते हैं। अगर ये सब सेम मैट्रिक्स है, a टू द पावर n का ट्रांसपोज यानी a को a से मल्टीप्लाई कीजिए n टाइम्स, तब उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लीजिए या ट्रांसपोज ले लीजिए उसी को n टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये सेम मैट्रिक्स है ना a इंटू a इंटू a।
यानी कि इसको हम लिख सकते थे z ट्रांसपोज टू द पावर 4 इनटू y ट्रांसपोज का क्यूब माइनस y ट्रांसपोज का क्यूब इनटू z ट्रांसपोज टू द पावर 4। और अब क्योंकि z के बारे में हमको ये पता है कि z का ट्रांसपोज मैट्रिक्स इज इक्वल टू z, तो ये z टू द पावर 4 हो जाएगा। अब y का ट्रांसपोज मैट्रिक्स इज माइनस y का क्यूब, यानी माइनस y मैट्रिक्स इनटू माइनस y इनटू माइनस y, तो स्केलर क्वांटिटी सब अलग मल्टीप्लाई हो जाता है। 2a इनटू 3b मैट्रिक्स बराबर 6 टाइम्स ab मैट्रिक्स। तो ये माइनस इतना, और यहां y ट्रांसपोज के जगह माइनस y लिखिएगा तो माइनस 1 का क्यूब, यहां प्लस y क्यूब, और ये z ट्रांसपोज के जगह z which is same आ गया। ये y क्यूब z टू द पावर 4 पहले लिख देते हैं और माइनस z 4 y क्यूब, यानी आप जिस मैट्रिक्स से चले थे उसका ट्रांसपोज निकाले तो वही मैट्रिक्स आ गया, यानी सिमेट्रिक है ये मैट्रिक्स। ये पहला जो ऑप्शन में लिखा है मैट्रिक्स वो सिमेट्रिक है, सो दैट इज ऑफ कोर्स नॉट द चॉइस। इसी तरह से हम लोग को बारी बारी से चारों ऑप्शन को चेक करना होगा। एक और चेक करते हैं, x टू द पावर 44 प्लस y टू द पावर 44 का ट्रांसपोज इज x टू द पावर 44 का ट्रांसपोज विच इज x ट्रांसपोज टू द पावर 44 प्लस y ट्रांसपोज टू द पावर 44। ट्रांसपोज के प्रॉपर्टी को हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, एक a प्लस b का ट्रांसपोज बराबर लिख सकते हैं और एक ए बी का ट्रांसपोज बराबर इतना, यही दो प्रॉपर्टी इस्तेमाल हो रहा है, इसी का कोरोलरी है। इसी से निष्कर्ष निकल सकते हैं कि a गुने a का ट्रांसपोज इज ट्रांसपोज का स्क्वायर, बस इसी दोनों प्रॉपर्टी पर बेस्ड ही सवाल है। x ट्रांसपोज इज माइनस वन टू द पावर, ये x टू द पावर 44 हो गया और ये भी y टू द पावर 44 हो गया, तो ये भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सो दिस इज ऑल्सो नॉट द करेक्ट आंसर। बाकी दोनों आप देखेंगे खुद, एक ये देख लीजिए x टू द पावर 23 प्लस y टू द पावर 23 का ट्रांसपोज इज x टू द पावर 23 का ट्रांसपोज प्लस y टू द पावर 23 का ट्रांसपोज विच इज x ट्रांसपोज टू द पावर 23 y ट्रांसपोज टू द पावर 23 विच इज माइनस टाइम्स x टू द पावर 23 प्लस माइनस टाइम्स, तो माइनस कॉमन ले सकते हैं हम लोग, एंड दिस मैट्रिक्स इज डेफिनेटली स्क्यू सिमेट्रिक। ये आप अपने से ट्राई करके देखिएगा। एक मैट्रिक्स ए दिए है स्क्वायर है और उसका इनवर्स मैट्रिक्स, चार ऑप्शन है उसमें से टिक करना। हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए हैं कि अगर एक सेकेंड ऑर्डर का मैट्रिक्स हो तो इसका इनवर्स तुरंत लिख देंगे हम लोग, स्ट्रेट अवे याद कर लिए। हम बताए हैं कि आपको डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर दीजिए और इन दोनों एलिमेंट्स को माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये एडजॉइंट निकल गया, और डिवाइड कर दीजिए डेट से, ए डी माइनस बी सी से हर एलिमेंट को, ये हम लोग याद ही कर लिए हैं। तो इसका इनवर्स निकालने में कोई परेशानी होना नहीं, वन बाय इस केस में आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस वन, यहां आई स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन के लिए इस्तेमाल किया गया है, तो इसका डिटरमिनेंट वैल्यू हो गया माइनस वन माइनस जीरो, और डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर दीजिए वही रह गया, माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए, यानी इसका इनवर्स मैट्रिक्स है माइनस ए। या आप ऐसे भी देख सकते थे, ये मैट्रिक्स ए जो दिया हुआ है
वो एक्चुअली आई टाइम्स यूनिट मैट्रिक्स है। इसमें से चारों में से आई कॉमन ले सकते हैं, तो इट इज आई टाइम्स द यूनिट मैट्रिक्स। और तब इसका इनवर्स इक्वल टू आई आई का इनवर्स, विच इज, अब याद कीजिए कि किसी भी मैट्रिक्स को अगर एक स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके इनवर्स लें, ये प्रॉपर्टी तीनों में है, स्केलर से मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज लें, स्केलर से मल्टीप्लाई करके तब एडजॉइंट लें, एक स्केलर से मल्टीप्लाई करके तब इनवर्स लें, तो इसमें इक्वल टू के टाइम्स ट्रांसपोज आता है। ये इक्वल टू आता है के टू द पावर एन माइनस वन टाइम्स एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स से, इसमें आता है वन बाई के टाइम्स इनवर्स ऑफ ए। ये याद करना होता है, ये सब बात प्रूफ हम लोग किए हैं, लेकिन इवेंचुअली तो याद करना ही पड़ेगा। तो अगर हमको आई गुने आई, ये एक मैट्रिक्स है, ये एक स्केलर है, इसका इनवर्स निकालना हो इस मैट्रिक्स का, तो वन बाई आई टाइम्स इनवर्स ऑफ आई, और आई मैट्रिक्स का इनवर्स मैट्रिक्स भी आई ही है, तो ये इक्वल टू हो गया वन बाई आई टाइम्स आई। और इसको ऊपर नीचे अगर हम आई से मल्टीप्लाई कर दें तो यहां आई हो जाएगा आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस वन, यानी इस मैट्रिक्स का इनवर्स मैट्रिक्स आया माइनस आई टाइम्स आई, यानी माइनस ए। तो आप इस तरह से भी देख सकते हैं, ये देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम यहां तो सवाल में सेकेंड ऑर्डर मैट्रिक्स दे दिए हैं, लेकिन अगर हम इसको थर्ड ऑर्डर बना दें तो आई जीरो 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 आई जीरो 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 आई, और अब हम इस मैट्रिक्स का इनवर्स मैट्रिक्स पूछें कि क्या होगा, चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन होगा इक्वल टू माइनस ऑफ ए मैट्रिक्स। तो ये बनाने के लिए अगर हम लोग इस तरीका से बनाते, मैंने एक्चुअली में हम इनवर्स निकालें, जबकि एक्चुअली में इनवर्स निकालने का जरूरत नहीं था, हमको यही रियलाइज करना था कि दिस मैट्रिक्स इज नथिंग बट सम स्केलर टाइम्स यूनिट मैट्रिक्स। अब उसका इनवर्स निकालना अगर हम लोग को प्रॉपर्टीज याद हो, तो बिना एक्चुअली में इसका इनवर्स निकाले हम बता सकते हैं कि इस मैट्रिक्स का इनवर्स इक्वल टू आएगा, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए सारा एलिमेंट्स को, वही है। ए कोई मैट्रिक्स है जिसका क्यूब करने पर नल मैट्रिक्स मिल जाता है, कोई मैट्रिक्स उसी को उसी से गुना कीजिए तीन बार तो जीरो 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 हो जाता है सारा एंट्री, और साथ में लिखा है कि ए टू द पावर एन का वैल्यू यूनिट मैट्रिक्स नहीं है फॉर एन इज इक्वल टू वन एंड टू, यानी ए टू द पावर वन इज नॉट आइडेंटिटी मैट्रिक्स, माने ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है, और ए का स्क्वायर करने पर भी मैट्रिक्स आइडेंटिटी नहीं है, लेकिन ए का क्यूब करने पर मैट्रिक्स नल हो जाता है। ज्यादा सोचा नहीं जाता है मैथमेटिक्स के सवालों में, मैथमेटिक्स के सवालों में या इवन फॉर दैट मैटर फिजिक्स के सवालों में भी पहले डेटा को आने दिया जाता है एकदम अपने भाषा में, अंग्रेजी में लिखा है उसको हिंदी में अनुवाद करके सोचिए, ये एक मैट्रिक्स है जिसके बारे में इतना बात लिखा गया है, ए का ऑर्डर नहीं बताया गया है, इतना तो हम समझ गए कि ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेकिन किस ऑर्डर का है नहीं बताया, सेकेंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर। इसे कह रहा है कि ए माइनस आई कोई मैट्रिक्स अगर हम बनाए, माने ए मैट्रिक्स में से सब्ट्रैक्ट कर दें यूनिट मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, नीडलेस टू से अगर ए थर्ड ऑर्डर का है तो यहां आई भी थर्ड ऑर्डर हम मीन कर रहे होंगे, बहुत बार यहां आई थ्री लिख दिया जाता है या आई फोर, समझने के लिए कि किस ऑर्डर का वहां पर। तो इस मैट्रिक्स का इनवर्स मैट्रिक्स ढूंढना है इनमें से कौन होगा, यहां कोई इनवर्स का प्रॉपर्टी ऐसा नहीं था कि ए प्लस बी का इनवर्स निकालना हो तो कुछ, वी हैड नो सच प्रॉपर्टी,
हम लोग को ए इंटू बी के लिए था, सम स्केलर टाइम्स ए के लिए प्रॉपर्टी था, ट्रांसपोज में था ऐसा प्रॉपर्टी कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज कैसे निकलेगा, ए गुने बी का ट्रांसपोज कैसे निकलेगा, सम स्केलर गुने ए का ट्रांसपोज निकालना हो तो हम क्या कर सकते हैं। बट ऐसा कोई प्रॉपर्टी ए प्लस बी का इनवर्स क्या होगा या ए प्लस बी मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या होगा, ऐसा कोई प्रॉपर्टी नहीं था। तो यहां ए मैट्रिक्स में एक मैट्रिक्स ऐड किया गया है माइनस ऑफ आई, और उस मैट्रिक्स का इनवर्स मैट्रिक्स पूछ रहा है इनमें से कौन है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से कौन, तो आपको गुना करके चेक करना है, निकालना नहीं। हम एक मैट्रिक्स दे दें, आप पूछें कि इसका इनवर्स मैट्रिक्स इनमें से कौन है, मतलब हम चाहते हैं कि आप इस मैट्रिक्स को बारी बारी से गुना कर करके देखिए, क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स का जो इनवर्स मैट्रिक्स होता है वो यूनिक होता है, चार आंसर नहीं होगा, कोई एक ही होगा या नहीं हो सकता है। अगर वो मैट्रिक्स सिंगुलर हो, डेटे वैल्यू जीरो, तो उसका इनवर्स नहीं होगा, अन्यथा होगा और यूनिक होगा। तो हमको गुना करना है, एक एक करके गुना करते हैं। ए माइनस आई मैट्रिक्स को गुना कीजिए आई प्लस ए मैट्रिक्स, फिर ए माइनस आई मैट्रिक्स को गुना कीजिए आई प्लस ए स्क्वायर मैट्रिक्स से, और ए माइनस आई को आई प्लस ए स्क्वायर से। अभी तो हम सब गुना करके दिखाएंगे। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ओबे करता है, ए इंटू आई को ए लिख देते हैं, प्लस ए इंटू ए को ए स्क्वायर लिख देते हैं, माइनस आई इंटू आई को आई लिख देते हैं, माइनस आई इंटू ए को माइनस ए लिख देते हैं। ये कैंसिल आउट हो गया, बचा ए स्क्वायर माइनस आई। तो ए माइनस आई मैट्रिक्स को जब आई प्लस ए से गुना किए, अगर आई आ जाता, अगर, तब ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे का इनवर्स कहलाता है, पर आई नहीं आया है, आया है ए स्क्वायर माइनस आई, तो इसीलिए ये तो गलत हो गया। अब उसी प्रकार हम इससे गुना करके देखें, जिससे गुना करने पर आई आ जाए, तो ए आई ए क्यूब माइनस आई स्क्वायर को आई लिख रहे हैं, माइनस आई इंटू ए स्क्वायर इज माइनस ए स्क्वायर, ये तो नल है, बचा ए माइनस आई माइनस ए स्क्वायर, तो ये भी आई नहीं आया, तो ये भी गलत है। अब जरा तीसरा विकल्प को भी चेक कर ले, आई माइनस ए को आई प्लस ए स्क्वायर से गुना करके चेक कर ले, आई स्क्वायर आई हो गया, आई इंटू ए हो गया, आई इंटू ए स्क्वायर स्क्वायर हो गया, माइनस ए माइनस ए स्क्वायर और माइनस ए की, ये दोनों नल मैट्रिक्स हो गया, ऐड करके ये दोनों ऐड करके नल मैट्रिक्स हो गया, और ये दिया हुआ है इक्वल टू नल मैट्रिक्स, तो सिर्फ बच गया आई प्लस नल प्लस नल प्लस नल मिल करके हो गया आई। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। इस मैट्रिक्स का इनवर्स मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स, दोनों एक दूसरे का है, सो दैट इज द करेक्ट आंसर। यहां ए माइनस वन नहीं लिखा हुआ है, ए माइनस वन इज अ मीनिंगलेस स्टेटमेंट, ये एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स माइनस स्केलर इज मीनिंगलेस, मैट्रिक्स माइनस मैट्रिक्स, स्केलर माइनस स्केलर, ए एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, यानी डेट ए का वैल्यू जीरो नहीं है, देन एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स इनमें से कौन होगा, डेटे टू द पावर एन, यहां एन इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स, यानी हियर ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, देन
दिस मैट्रिक्स विल इक्वल विच ऑफ देम. शुरू करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए. हमको सिर्फ एडजॉइंट का एक ही प्रॉपर्टी पता है कि किसी भी मैट्रिक्स ए को उसके एडजॉइंट मैट्रिक्स से हम गुना करें तो हमको डेटे इनटू आई आता है. कोई मैट्रिक्स ए a11 a12 a1n, इसका जो एडजॉइंट मैट्रिक्स बनता है वो इस रो के सारे एलिमेंट्स का कोफैक्टर ऐसे लिखा होता है c11 c12 capital c c1. सेकेंड रो के सारे एलिमेंट्स का कोफैक्टर ऐसे लिखा होता है सेकेंड कॉलम में c21 cn1 cn. जब गुना करते हैं आप दोनों को, याद दिला रहे हैं आपको, तो दिस इंटू दिस फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाई उनका कोफैक्टर्स, तो यहां डेटे आ जाता है, डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स. और फिर फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम करते हैं तो अब इस कॉलम में उसके बगल वाले रो का एलिमेंट्स का कोफैक्टर है, जो डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी है किसी रो को किसी अन्य रो के कोफैक्टर से गुना कर दीजिए अगर और ऐड कर दीजिए तो जीरो आता है. सो ऑल दीज एलिमेंट्स आर जीरो, सेकेंड रो में जीरो, डेटे जीरो जीरो, यानी कि सब में से डेटे कॉमन हो करके ये डेटे टाइम्स आई के बराबर हो जाता है एनी मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय इट्स एडजॉइंट मैट्रिक्स इक्वल टू इतना होता है, ये पता है. तो अभी एडजॉइंट ऑफ सम मैट्रिक्स है को गुना कर दें अगर हम एडजॉइंट ऑफ ए इसी मैट्रिक्स, सम मैट्रिक्स इनटू एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, तो वो इक्वल टू होगा डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ दिस मैट्रिक्स इनटू आई बाय प्रॉपर्टी ऑफ एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ स्टार इनटू स्टार विल बी इक्वल टू डेट ऑफ स्टार इनटू आई. हम यहीं से शुरू करेंगे. अब डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए वो हम लोग अलग से निकाले हैं कि कोई भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाल के उसका पूछें कि डेट वैल्यू बताइए, या इनवर्स निकाल के उसका कहें कि डेट वैल्यू बताइए. कोई मैट्रिक्स ए दे देंगे स्क्वायर, कहेंगे कि इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट मैट्रिक्स बनाइए, उसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकालिए. तो यहीं से हम लोग प्रूफ किए थे, दोनों तरफ डेट ले लिए थे, तो डेटे इंटू डेट ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल टू आया था इधर वाले का डेट वैल्यू, सम स्केलर गुने आई का डेट वैल्यू. तो ये के का डेट वैल्यू बाकी सब जीरो हो तो इस डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन करने पर के क्यूब आता है, यानी कि डेटेड टू द पावर एन आएगा. यहां स्केलर है, इसको डिवाइड कर दीजिए इस रियल नंबर से. एडजॉइंट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट एक्सपेंशन करने पर जो वैल्यू आएगा वो ओरिजिनल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वैल्यू रेज टू द पावर एन माइनस वन, यानी नहीं बनाते हैं मैट्रिक्स, इसी का सीधे एक्सपेंशन करके डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं और उसको रेज कर देते हैं टू द पावर एन माइनस वन. और इनवर्स मैट्रिक्स का डेट वैल्यू तो वन बाई डेटे होता है, ये भी उसके प्रॉपर्टी से प्रूफ किए थे. इनवर्स के बारे में हमको यही पता है, जैसे एडजॉइंट के बारे में ये जानकारी है, इनवर्स के बारे में ये जानकारी है, यहीं से तो निकाले थे ये जानकारी, इसको डेटे से डिवाइड कर दिए थे तब उस मैट्रिक्स को ए इनवर्स बोले, यानी कि डेटे इनटू डेट ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू डेट आई जो कि वन होगा, वन वन वन. देयरफॉर इनवर्स मैट्रिक्स का डेट वैल्यू इक्वल टू वन बाय डेट वैल्यू ऑफ, ये रटना है प्रॉपर्टीज. तो हम इसको डेटे टू द पावर एन माइनस वन लिखे, सम स्केलर क्वांटिटी. अब हम दोनों तरफ एक और ए से मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों तरफ, ये एक मैट्रिक्स है
ये एक मैट्रिक्स और ये एक, अब मल्टीप्लाई किए, ए इंटू एक्सकेलर है इंटू आई, तो यहां ए को इधर लिख दीजिए, स्केलर को कहीं भी प्लेस कर दीजिए और ए इंटू आई को ए लिख दीजिए। इधर ए इंटू एडज्वाइंट ए का वैल्यू डेटे इंटू आई, दिस मैट्रिक्स इंटू दिस मैट्रिक्स इज दिस मैट्रिक्स इंटू एडज्वाइंट ऑफ एडज्वाइंट ऑफ। अब आई इंटू दिस, ये एक मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स स्केलर है, I into this matrix is only this. अब इस स्केलर से डिवाइड कर और इस प्रकार हमको adjoint of A matrix is equal to this scalar times matrix A. Dete to the power n minus 2 times A. एक मैट्रिक्स दिए है ए बराबर सेकेंड ऑर्डर मैट्रिक्स है 5a माइनस बी 3 2, और हमको दिया हुआ है कि इस मैट्रिक्स का जो एडजॉइंट मैट्रिक्स है वो इसके ट्रांसपोज मैट्रिक्स के बराबर है। अगर तो 5a प्लस बी का वैल्यू बताइए। अब इसका एडजॉइंट मैट्रिक्स हम तुरंत बता सकते हैं, खाली इन दोनों को इंटरचेंज करना है 2 5a, और इन दोनों को माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देना है, माइनस 3b एडज्वाइंट ऑफ ए, और इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स भी निकाल लेते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम सेकंड, 5a 3 माइनस b 2। और सवाल के अनुसार ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, मतलब ईच एलिमेंट इक्वल है, 5a का वैल्यू 2 के बराबर होना चाहिए, b का वैल्यू 3 के बराबर, माइनस 3 बराबर माइनस b होना चाहिए विच इज सेम, एंड 5a बराबर 2 विच इज सेम, यानी a का वैल्यू तब 2/5 और b का वैल्यू 3 होना चाहिए, और तब 5 टाइम्स a प्लस b का वैल्यू पूछा है विच इज 2 + 3 = 5। ऐसे ही केवल लैंग्वेज टेस्ट कर रहे हैं कि मैट्रिक्स का जो यूज है वो तो लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन में है। तो अभी हम आपको जो क्वेश्चन सब प्रैक्टिस कर रहे हैं वो सब लैंग्वेज ऑफ मैट्रिक्स को टेस्ट कर रहे हैं। यहां एक मैट्रिक्स है 3 by 3, एक कॉलम मैट्रिक्स है एक्स वाई जेड, और एक और कॉलम मैट्रिक्स है 0 0 0। ये होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है। आप अगर इसको एक्सपेंड करें लेफ्ट हैंड साइड तो 1x + ay + cz एक कॉलम मैट्रिक्स बनेगा जिसका कि तीन एलिमेंट होगा, 3 by 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 by 1 से, तीन रो एक, तो 3 by 1 ऑर्डर यानी तीन रो एक कॉलम। यहां वाला एलिमेंट होगा x + ay + cz जो कि इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, मतलब एक एक एलिमेंट सेम, तो आपको एक इक्वेशन x + ay + cz = 0, फिर दिस इंटू दिस कीजिएगा तो 0x + y + bz = 0, और फिर x + 0y + z x + z = 0। तो एक्चुअली एक सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस है जो इस रूप में एक्सप्रेस किया जाता है ऑलवेज। अब लीनियर इक्वेशंस को हम लोग कोएफिशिएंट्स ऑफ द अननोन्स का एक मैट्रिक्स इनटू अननोन का एक कॉलम मैट्रिक्स इक्वल टू कांस्टेंट टर्म्स का एक कॉलम मैट्रिक्स ऑलवेज ऐसे एक्सप्रेस करते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को। और फाइनली इसका जो सॉल्यूशन लिखते हैं वो x = a inverse × b, और इनवर्स ऑफ ए क्योंकि एडज्वाइंट ऑफ ए बटे डेटे होता है, तो इवेंचुअली हम लोग सॉल्यूशन को इस तरह से लिखते हैं। ये थर्ड ऑर्डर का एक मैट्रिक्स होगा, एक 3 by 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स, गुना करने पर एक कॉलम मैट्रिक्स आएगा, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3, सबको डेटे से डिवाइड कर दीजिए
और आपको सोल्यूशन आ जाता है इस प्रकार। तो ये सिस्टम ऑफ होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस दिया है, जिसके बारे में हम सब जानते हैं कि इसका एक सोल्यूशन तो पक्का है, 0 0 0, एक्स बराबर 0, वाई बराबर 0, जेड बराबर 0, ये तीनों इक्वेशन को एक साथ सेटिस्फाई करेगा। पर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस भी हो सकता है, अगर इसका डेट ए, यानी यही ए है, इसका डिटरमिनेंट वैल्यू अगर नॉन जीरो है तब एक ही सॉल्यूशन है, बस वही जो बोले आपको ट्रिवियल सॉल्यूशन, और अगर जीरो हो गया तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होगा, माने 0 0 0 के अलावा भी अनगिनत सॉल्यूशन होगा। यही क्वेश्चन है कि यहां ए बी सी जो तीन एंट्री दिख रहा है अननोन, उनका वैल्यूज आपको लेना है सिर्फ दो ही, 0 या 1 भरना है यहां। तो कहता है कि फाइंड नंबर ऑफ सच इक्वेशंस दैट हैव नॉन जीरो सॉल्यूशंस, माने 0 0 0 जो ट्रिवियल सॉल्यूशन है के अलावा भी इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का सॉल्यूशन हो, ऐसा कितना सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बना सकते हैं, ए बी सी के स्थान पे 0 और 1 बस डालना है। तो पहले वो कंडीशन लिखिए कि होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का नॉन जीरो सॉल्यूशंस और नॉन जीरो सॉल्यूशंस, क्या कंडीशन था, डेटे शुड बी इक्वल टू 0। डेटे अगर 0 नहीं है ना तो यूनिक सॉल्यूशन होगा किसी भी केस में, ये 0 नहीं है अगर तो यूनिक सॉल्यूशन, 0 होने पे नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन, होमोजीनियस में तो नो सॉल्यूशन होता ही नहीं, इट इज इनफाइनाइट। यानी कि अब इसका डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन करें, 1 plus a times b plus c times -1 यानी -c बराबर 0, यानी c मस्ट बी इक्वल टू ए बी प्लस 1। अगर c के स्थान पे जो नंबर यहां पे डालें वो इक्वल टू हो अगर a गुने बी प्लस 1, माने आपके पास इंफिनाइट विकल्प होता अगर ए बी सी के बारे में ऐसा नहीं लिखा होता ना कि 0 और 1 में ही चुनना है, तो हमको जो मन चुनते हम ए के जगह 5 चुनते, बी के जगह 4 और सी के जगह 21 चुन लेते। अब वो जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस होगा ना उसका इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो जाएगा पक्का, हम आपको दिखाएंगे, पर पहले इस सवाल को बना लेते। अब देखिए कि कितना तरीका से ये हो सकता है, हम अगर ए के जगह 0 डाल दें, बी के जगह हम 0 डाल दें, सी के जगह 1 ले लें, सी बराबर ए गुने बी प्लस 1। ठीक, अगर हम ए के जगह 1 ले, बी के जगह 0 ले, ताकि ए गुने बी प्लस 1 करना है हमको, माने एक बार पक्का हो गया ए और बी में से किसी एक को तो 0 चुनना ही पड़ेगा, सी का वैल्यू 1 प्लस सम पॉजिटिव नंबर है, ये नॉन नेगेटिव नंबर है, यहां ए और बी का वैल्यूज नेगेटिव नंबर तो है नहीं, तो अगर कोई भी नंबर हुआ सम पॉजिटिव तभी 1 से बड़ा हो जाएगा, तो सी का वैल्यू 1 रखना पड़ेगा और ए और बी का चॉइस ऐसा रखना होगा कि दोनों में से कोई एक तो 0 हो जाए ताकि दोनों का प्रोडक्ट 0 हो, 1 ऐड करें तो 1 मिले। इतना दिखने पे हमको साफ दिख गया कि सिर्फ 3 ही विकल्प है, ए का वैल्यू 0 ले, बी का वैल्यू 0, सी का वैल्यू 1, ए 1 बी 0 सी 1, ए 0 बी 1 सी 1, यानी 3 ही ऐसा सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बना सकते हैं अगर हमको 1 0 के मदद से ही बनाना है तो दिस इज ऑल। हम कोई एक चॉइस लेते हैं ए बी सी का, हम ए के जगह ले लेते हैं 2, बी के जगह 3, सी के जगह 7, अभी भी जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बनेगा वो पक्का होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, वो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस वाला बनेगा, हमको दिखाना है कि उसका इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है। ये सवाल बन गया, हम लोग
दूसरा सवाल बना रहे, हम एक की जगह लिखनी है टू, बी के जगह लिखे हैं थ्री और सी के जगह सेवन। ये हम लोग टेस्ट कर लिए कि इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का नॉन जीरो सॉल्यूशंस तभी होगा जब सी का चॉइस ए गुने बी प्लस वन के बराबर हो। अब आपको जो मन चुन लीजिए, उस पर कोई बंधन नहीं है। अब तो हम चुने हैं ऐसे में रैंडम, ए बराबर टू, बी बराबर थ्री, अब सी बराबर चुने नहीं, कैलकुलेट किए। अब ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस निश्चित रूप से नॉन जीरो सॉल्यूशंस है, माने जीरो 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 के अलावा भी कुछ सॉल्यूशन है। हम आपको ढूंढ के दिखाते हैं, अब कुछ नहीं, इनफाइनाइट है। कैसे देखिए, यहां z बराबर माइनस एक्स आया, इसमें डाल दें z के जगह माइनस एक्स, तो y बराबर थ्री एक्स आ गया। अब इसमें डाल के देखिए, x प्लस सिक्स एक्स माइनस सेवन एक्स, तो जीरो इक्वल जीरो हो जाएगा। x प्लस सिक्स एक्स इज सेवन एक्स माइनस, यानी हम इन दोनों वैल्यूज को अगर इस इक्वेशन में डाल करके सोचे कि x में एक इक्वेशन बना लेंगे और सॉल्व करके हमको x का एक यूनिक वैल्यू आ जाएगा, तो नहीं आया। यानी निष्कर्ष यह है कि इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का सॉल्यूशन, आप x की जगह कोई नंबर सोच लीजिए अल्फा, y का वैल्यू 3 अल्फा चुन लीजिए और z का वैल्यू माइनस अल्फा, अब ये सेटिस्फाई करेगा सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को। जैसे 1, 3, -1, ये इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। डाल के देखिए, तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। x का वैल्यू 1 डालिएगा, y का वैल्यू 3 और z का वैल्यू माइनस। दूसरा चॉइस 1/2, 3/2, -1/2, ऐसे ही हम अल्फा का कोई एक रियल वैल्यू ले लिए। इनफैक्ट इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन सेट है वो ऐसे हम लोग शो कर सकते थे, x बटे 1 बराबर y बटे 3 बराबर z बटे माइनस 1, यानी x y z का एक अनुपात आप ढूंढ दिए कि इस रेशियो में आप कोई तीन नंबर ढूंढिएगा रियल नंबर, वो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। एक बार और बोल दो, कभी भी कोई सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हो जिसका इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है, नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के लिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन तभी मिलता है जब एडजॉइंट ऑफ ए गुने बी नल मैट्रिक्स हो, यानी लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 सब जीरो हो और डेटे का वैल्यू भी जीरो हो, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलता है। बट द आइडिया इज कि अगर कोई सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का हम कहें कभी कि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करता है, तो उसका मतलब हम मीन कर रहे हैं कि आप जब प्रयास करेंगे ना सॉल्व करने का उस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को, तो आपको एक्स वाई जेड का यूनिक वैल्यूज नहीं मिलेगा बल्कि एक अनुपात मिल जाएगा कि इस रेशियो में आप कोई तीन नंबर चुन लीजिए उस सिस्टम को सेटिस्फाई करेगा, जैसा कि अभी हमको मिला। यहां ए बी सी का कोई भी आप ऐसा चॉइस करते ना जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो आपको एक ऐसा सिस्टम ऑफ इक्वेशंस मिलता है जिसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता और सॉल्व करने पर आपको इस तरह का एक निष्कर्ष मिल जाता। कोई एक मैट्रिक्स है ए, उसका इनवर्स मैट्रिक्स दिया हुआ है, माने ओरिजिनल मैट्रिक्स नहीं दिया है। अगर हम कहें कि ओरिजिनल मैट्रिक्स निकालिए, हमने इसका इनवर्स निकालिए, इसका जो इनवर्स होगा ओरिजिनल होगा, दोनों एक दूसरे का इनवर्स होगा, बट ये क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन ये है कि इन चारों का वैल्यूज निकालिए, कुछ मैच दी कॉलम टाइप का। आपको 2 टाइम्स मैट्रिक्स ए जो नहीं दिया है का डिटरमिनेंट निकालना है, फिर एडजॉइंट ऑफ 2 टाइम्स ट्रांसपोज ऑफ ए उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना है, चारों डिटरमिनेंट निकालना है। एक एक करके निकालते हैं,
टू टाइम्स ए का डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी याद दिला दें, किसी मैट्रिक्स को किसी स्केलर से गुना कीजिए, अब उसका डिटर्मिनेंट निकालिए तो वो इक्वल टू कितना आएगा। तो आप जब किसी मैट्रिक्स को गुना करते हैं किसी स्केलर से, तो सभी एलिमेंट को गुना करते हैं आप, के इंटू दिस, के इंटू दिस, सब जगह गुना करते हैं। जब इसका डिटर्मिनेंट बना के एक्सपेंशन करते हैं तो हर रो में से आप कॉमन लेते हैं तो ये इक्वल टू के टू द पावर एन टाइम्स डेटे आ जाता है। ये डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी, एन माने ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो ए यहां पे थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स होगा, तो टू ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट एक्सपेंशन करने पर उसका वैल्यू इक्वल टू होगा टू क्यूब टाइम्स डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स। अब ई कहां से मिलेगा? यहां से मिलेगा, हम लोग को पता है कि कोई मैट्रिक्स ए का इनवर्स मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू इक्वल टू होता है वन बाय डेटे, यानी डेटे इक्वल टू होगा वन बाय डेट वैल्यू ऑफ इट्स इनवर्स मैट्रिक्स। तो हम इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, इक्वल टू वन, यहां निकालते हैं, एक्सपेंड करते हैं, वन इंटू जीरो माइनस जीरो, जीरो माइनस वन टाइम्स माइनस टू प्लस वन, माइनस वन इंटू माइनस वन प्लस वन यानी टू। देयरफॉर डेटे का वैल्यू हम लोग को मिल गया इक्वल टू हाफ। अब इसको याद रखेंगे तो पहला वाला बन गया टू क्यूब मल्टीप्लाइड बाई हाफ इज टू स्क्वायर। सेकेंड, एडजॉइंट ऑफ टू टाइम्स ट्रांसपोज ऑफ ए का डेट वैल्यू, अब टू टाइम्स ए ट्रांसपोज को लिख सकते हैं टू ए का ट्रांसपोज, ये ट्रांसपोज का प्रॉपर्टी है, स्केलर से मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज लीजिए, स्केलर को मल्टीप्लाई कीजिए ट्रांसपोज, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। और एडजॉइंट और इनवर्स दोनों में प्रॉपर्टी था कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेकर के तब एडजॉइंट लीजिए या एडजॉइंट निकाल के तब ट्रांसपोज लीजिए बराबर होगा, इनवर्स में भी था ये, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेके इनवर्स लीजिए चाहे इनवर्स लेके ट्रांसपोज लीजिए, ये दोनों प्रॉपर्टी था एडजॉइंट में भी और इनवर्स में भी। ट्रांसपोज में तो सिंपली था ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालिएगा तो ए मैट्रिक्स में, तो एडजॉइंट ऑफ टू ए का ट्रांसपोज इज एडजॉइंट ऑफ टू ए का ट्रांसपोज। दीज आर टू मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, एडजॉइंट एंड ट्रांसपोज। कोई एक मैट्रिक्स है आपको फंक्शन ऑफ अ फंक्शन टाइप का है, एफ ऑफ जी ऑफ, तो इंटरचेंजेबल है, इट इज सेम एज जी ऑफ एफ ऑफ, यहां एफ को एडजॉइंट ऑपरेटर कह लीजिए और जी को ट्रांसपोज। तो यहां लिखा है एडजॉइंट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए, इट इज सेम एज ट्रांसपोज ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, ए लिखा। इनवर्स में भी यही प्रॉपर्टी है, यहां लिखा है इनवर्स ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए, इट इज सेम एज ट्रांसपोज ऑफ इनवर्स ऑफ ए, इंटरचेंजेबल है ये दोनों ऑपरेटर्स। कंटेंट, और डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी है कि किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लीजिए या उसका ट्रांसपोज लेकर के डिटर्मिनेंट लीजिए, ट्रांसपोज लेना मतलब रोज कॉलम्स को इंटरचेंज करना, यही मतलब होता है। अगर ये ए मैट्रिक्स है ये ट्रांसपोज है, और डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी है कि रो कॉलम को इंटरचेंज करने से डिटर्मिनेंट का वैल्यू नहीं बदलता, मैट्रिक्स बदल जाता है डिफरेंट चित्र, लेकिन डिटर्मिनेंट का वैल्यू नहीं बदलता है। सो इट इज दिस डेट ऑफ इट। अब नाउ एडजॉइंट ऑफ टू टाइम्स ए इक्वल टू कितना होता है, वो
2 टू द पावर n माइनस 1, यहां थर्ड ऑर्डर का है, तो 2 टू द पावर 2 यानी 4 टाइम्स एडजॉइंट ऑफ a होता है। सारा प्रॉपर्टी जो है ना वो इस्तेमाल हो रहा है, इसका डेट वैल्यू निकालना। अब सम स्केलर टाइम्स अ मैट्रिक्स का डेट वैल्यू, डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी है कि किसी भी मैट्रिक्स को स्केलर से गुना करके डेट निकालिए तो इक्वल टू के टू द पावर एन, अभी समझाए टाइम्स डेट वैल्यू, तो 4 टू द पावर 3, हर एलिमेंट से 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिटरमिनेंट निकालते वक्त 3 रो से 4 कॉमन होगा, टाइम्स डेट ऑफ एडजॉइंट ए, और डेट वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ए होता है डेट ए टू द पावर एन माइनस 1 स्क्वायर, एंड नाउ वी हैव द आंसर। डेट हम जानते हैं 2 स्क्वायर, और यहां पे इसको हम 2 के पावर में अगर एक्सप्रेस करना चाहें तो ये 2 टू द पावर 6 है, 2 टू द पावर 8, दैट इज द आंसर फॉर द सेकेंड ऑप्शन। थर्ड, 2 टाइम्स ए का इनवर्स निकालना है, उसका डेट लेना है। अब पहले लिख लीजिए, इसका इनवर्स होगा 1/2 टाइम्स इनवर्स ऑफ, अब डेट लीजिए, अब डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी ये 1/2 क्यूब टाइम्स इनवर्स का डेट, जो कि हम लोग जानते हैं 2, इट इज 2 टू द पावर माइनस 2 टाइम्स ट्रांसपोज ऑफ ए का इनवर्स का डेट। अब 2 टाइम्स ट्रांसपोज ऑफ ए को लिख सकते हैं 2a का ट्रांसपोज। अब ये इंटरचेंजेबल है ऑपरेटर्स, हम 2a का इनवर्स का ट्रांसपोज लिख सकते हैं, अब डेट लेना है तो इट इज सेम एज 2 टाइम्स a इनवर्स का डेट, क्योंकि ट्रांसपोज लेकर के डेट लीजिए या सीधे डेट लीजिए, यू गेट दी सेम वैल्यू, डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी। आइए अब 2 क्यूब टाइम्स ए इनवर्स का डेट वैल्यू विच इज 2, सो द आंसर इज 2 टू द पावर। ये सवाल में सारा प्रॉपर्टी जो हम लोग सीखे हैं, इनवर्स, ट्रांसपोज, एडजॉइंट और डिटरमिनेंट का, सब इस तरह। देखें इस क्वेश्चन को, एक थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स है जिसका सारा एंट्री 1 है, इफ ए इक्वल्स इतना देन प्रूव करना है ए टू द पावर एन, वेयर एन इज सम नेचुरल नंबर, मैट्रिक्स ए को ए से मल्टीप्लाई करें हम एन टाइम्स, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो वो इक्वल टू जो मैट्रिक्स आएगा वो 3 टू द पावर एन माइनस 1 टाइम्स दिस मैट्रिक्स। मतलब अगर हम ए स्क्वायर करें इस मैट्रिक्स को तो इक्वल टू 3 टू द पावर 2 माइनस 1 3 टाइम्स दिस मैट्रिक्स, यानी कि 3 3 3 3 3 3 3 आ जाएगा। ये प्रूफ करना है, अगर ए क्यूब कर दें एक बार और मल्टीप्लाई कर दें तो 3 टू द पावर 3 माइनस 1 यानी 3 स्क्वायर टाइम्स ए यानी 9 9 9 9, ये प्रूफ करना है। ये एन टाइम्स प्रूफ करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अगर एक बार प्रूफ कर दिए तो अब एन टाइम्स का प्रूफ ऑटोमेटिकली फॉलो हो गया, क्योंकि अब ए स्क्वायर का वैल्यू अगर आप प्रूफ कर दिए कि 3a है तो ए क्यूब बराबर होगा ए स्क्वायर इंटू ए विच इज 3a इंटू ए। अगर आप ए स्क्वायर को प्रूफ कर दिए हैं 3 टाइम्स विच इज 3 टाइम्स ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर का वैल्यू आप प्रूफ कर चुके हैं 3, सो दिस बिकम्स 3 टाइम्स 3a विच इज 3 स्क्वायर टाइम्स ए, सो द रिजल्ट फॉलोज। ऑल आई नीड टू डू इज
ए स्क्वायर का वैल्यू हम खाली दिखा दें 3 times है, जो कि अब आप खुद भी कर सकते हैं। ए स्क्वायर का वैल्यू निकालते हैं, ए स्क्वायर बराबर 111111 विच इज इक्वल टू, यहां होगा दिस इंटू दिस विच इज 3, यहां होगा दिस इंटू दिस 3 3 3 3 3 विच इज 3 times ए, एंड द प्रॉब्लम इज सॉल्व। चलिए आज के लिए इतना ही, समाप्त।